हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे और एक वीडियो पर फिर से स्वागतम। ये एक 32 इंच का एलईडी टीवी है। इसका बैकलाइट ओके है लेकिन डिस्प्ले नहीं आते हैं। ये 12 वोल्ट का पैनल है। इसका नंबर है LSC320AN01/23। सबसे पहले इस पैनल का हर एक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, ये देखना है। इसमें 12 वोल्ट इन हो रहे हैं और 3.3 वोल्ट ओके हैं और 1.8 वोल्ट ओके हैं, लेकिन एबीडीडी वोल्ट जो 15 होना चाहिए वो नहीं है, मिसिंग है। वी ऑन वोल्ट इस पैनल में 32 होना चाहिए, वो भी मिसिंग है। इसका जो वी ऑफ वोल्ट और वी कॉम वोल्ट वो भी मिसिंग है। ये सिंगल आईसी का स्केलर बोर्ड है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है कॉब आईसी में, सी के वी लाइन शॉर्ट होने से। ये सी के वी लाइन कॉब आईसी में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जाती है। इधर देखिए दोनों तरफ 6 पॉइंट करके है। ए पॉइंट आती है यहाँ पे, इधर देखिए नीचे में 6 पॉइंट है। दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वरना इम्पोर्टेंट कुछ मिस हो सकती है। ऊपर में भी 6 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक। और पैनल के राइट में भी सेम पॉइंट है, यहाँ से वो पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पे मार्क किए हुए नहीं है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं वही वो पॉइंट है। आपको मीटर को टेस्ट पॉइंट पर रख कर इसका लेफ्ट और राइट से पिन कांटेक्ट मिलाना है। तो देखिएगा लेफ्ट के साथ राइट का फुल कांटेक्ट है, उससे आपको सीकेवी लाइन पहचानना है। ये है उसका पैनल नंबर। इस पैनल में 12 वोल्ट इस रेजिस्टेंस से इन होते हैं। ये है उसका 12 वोल्ट टेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। और यहाँ पे 1.8 वोल्ट है। यहाँ पे VCC 3.3 वोल्ट मिलेगा आपको। ये जो प्रॉब्लम है एक कटिंग प्रोसीड्योर में होगा। इधर आपको ये चारों पॉइंट काट के देखना है आपका जो मिसिंग वोल्टेज है वो बना के नहीं। अगर इधर का लाइन काटने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से इसे जोड़ना है। ऐसे चाकू से उस प्रोटेक को काटना है। अगर राइट साइड में काटने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसे जोड़ के फिर से लेफ्ट साइड में आना है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है इसके साथ इस पॉइंट को मिला के काटना है। इधर हम मार्क करके दिखा रहा है, इसी 4 पॉइंट को आपको काटना है। मैंने इधर का पॉइंट काट लिए थे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ,
इसलिए मुझे जोड़ना पड़ा फिर से। दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप लोगों की कोई काम आए और पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और लेफ़्ट साइड का वो चारों लाइन काटने के बाद मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको भी इसी प्रोसीड्योर फॉलो करना है तो आपका भी पैनल सही हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरे अगले जितने भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों ये पॉइंट है एबीडीडी का जिसमें 15 वोल्ट होना चाहिए। ये देखिए लगभग 13 वोल्ट है, चल जाएगा। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये है वी ऑन, वीजीएस भी बोल सकते हैं आप। इसमें 32 पॉइंट बन गए हैं, ये देखिए। दोस्तों क्या होता है, इसके जो कोवाईसी है उसके अंदर शॉर्टेज होती है, इसे काटने से शॉर्टेज छोड़ देते हैं। वोल्टेज तो बना हुआ होते ही है आईसी से, कुछ शॉर्ट के कारण वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। फिर जब शॉर्ट छोड़ देते हैं तब वो वोल्टेज फिर से दिखाई देते हैं। ये देखिए मेरे ये पैनल रेडी है। फ्रेंड्स मेरे वीडियो पूरे देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा।